वर्षा होने वाली है तो आते हुए बादलों को देख करके चातक दुगना दुगना आवाज करने लगता है। आशा यदि सामने फलीभूत होने वाली है, पूर्व फलायन माने सामने फलीभूत होने पर, आशायन आशा के सामने फलीभूत होने पर जना माने व्यक्ति कामम विदम्यते अधिक व्याकुल हो जाता है। जैसे आसम ने घनारण्य वर्षा का की निकटता आने पर चातक दुगना आवाज करने लगता है, ऐसे मेरा मन भी दुगना आवाज कर रहा है। पुनः उत्कर्ण भवन ऐसा कहकर के उत्कर्ण कान और ऊंचे करके ध्यान से सुनते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कथम अभ्यर्ण्य भूषण सिंजितम श्रूयते। अभ्यर्ण्य माने पास में, भूषण सिंजितम श्रूयते, ये तो आभूषणों की आवाज आ रही है, आभूषणों की झटका सुनाई दे रही है, आसपास ही कहीं आभूषणों की आवाज सुन रही है। इति उद्ग्रीव काम दत्वा ऐसा कहकर के ग्रीवा ऊंची करके आप देखते हैं, फिर ससंभ्रम एकदम संभ्रम से युक्त हो जाते हैं। सत्यम असौ मिलता में प्रिय प्रेयसी, आहा सचमुच मेरी प्रिया श्री निकुंजेश्वरी वृंदावनेश्वरी किशोरी श्री राधिका यहाँ आ गई है, ऐसा मंत्र विचार करें कि मेरी प्रिया आ गई। ऐसा कह करके जल्दी से कूद करके श्री कृष्ण चंद्रावली पार्श्व आगत्य चंद्रावली जी के पास में आ जाते हैं और चंद्रावली जी को अपने भाव के अनुसार राधिका ही समझ करके राधिका कह करके फिर से वही संबोधन करने लगते हैं। फिर से वही गड़बड़ झपेला पैदा हो गया कि हृदृंग जंगम लता मेरे हृदय रूपी भौरों के लिए, हे प्रिय आप जंगम लता के समान हो, चलती फिरती लता के समान हो। एक लता तो होती है स्थावर, एक जगह स्थिर रहने वाली, और एक लता होती है जंगम चलती फिरती। मेरा हृदय यदि भौरा है तो उसको आकर्षित करने वाली, हे प्रिय आप जंगम लता हो, चलती फिरती घूमती हुई लता हो। मंगलाभा आहा आपकी आभा ही मेरे संपूर्ण हृदय को मंगल पूर्ण कर देने वाली है। मंगलाभा राधिका मयोन्मुदिता ऐसी राधिका मुझे प्राप्त हुई। अब श्याम सुंदर तो बोल गए, जैसे राधिका कहा चंद्रावली जी की भौं चढ़ गई। चंद्रावली शीर्षम मधुमंगल में आलोकते ईर्षा सहित मधुमंगल की ओर देखने लगी कि आर्य ये यहां पर तुम मुझे लेकर के आए हो, इनका ध्यान तो लगा हुआ है श्री राधिका में। न जाने ईर्षा सहित जो भौं को टेढ़ा करके जो देखा, इतने में न जाने कितनी बातें मधुमंगल से कहती होंगी कि मुझ मेरी ऐसी विडंबना कराने के लिए यहां पर लाए हो, देख नहीं रहे हो इनका चित्त कहां लगा हुआ है। तो केवल ईर्षा सहित मधुमंगल की ओर देख रही है। मधुमंगल उस समय समझाते हुए कह रहे हैं, सखी चंद्रावली मंगल भारण अधिकासी इति प्रिय वैश्य स्वाम बढ़ने थी। कोई नाना ये मेरा प्रिय सखा कृष्ण तो तुम्हारा ही वर्णन कर रहा है कि हृद्रंग हृद्रंग जंगम लता तुम हृदय रूपी घोरे के लिए चलती फिरती लता के समान हो। मंगल भारा अधिका मयोन्मुदिता और मंगल के भार की अधिकता से युक्त हो, मंगल भाराधिका मंगल भार अधिका राधिका नहीं है, मंगल भार अधिका है। तो मंगला भा अलग कर देंगे और राधिका अलग कर देंगे तो राधिका से निकलेगा और दोनों को मिला करके कह देंगे तो मंगला भारा मंगल भा
श्री राधिका मुझे मिली है मेरा सखा, तो आप ये आपका ही वर्णन कर रहा है कि मंगल भार की अधिकता वाली आप मुझे मिल गई हो। तो प्रिय वैश्य स्वाम वर्ण रही थी, मेरा सखा तो तुम्हारा ही वर्णन कर रहा है। श्री कृष्ण को अब होश आया, ये क्या गड़बड़ हो गई, ये मुंह से क्या निकल गई। सब ही लक्षण लज्जित होते हुए आत्मगतम मनी मन में विचार कर रहे हैं, बोले अरे इस मूर्ख ने श्री राधिका की जगह यहां पर मेरे पास में चंद्रावली जी का अभिसार करा दिया है। अब जो हुआ सो हुआ, कथम अनेन चंद्रावली एव अभिसारता, इसने तो चंद्रावली का ही अभिसार करा दिया है। भवत बटुलोत्तम एव निर्वाहयामि, मेरे मित्र ने जो कुछ भी कहा है अब तो उसका ही मैं निर्वाह करता हूं। और ऐसा कहकर कह रहे हैं कि सुहृद अनुराग वितंद्रा चंद्रावली अंजसा अलंगी, कि सुहृद अनुराग वितंद्रा, मित्र के अनुराग से वितंद्रा माने जो सदा जागृत रहती है, मित्र के प्रति माने मेरे प्रति, मित्र माने श्री कृष्ण, मेरे प्रति अनुराग में जो सदा जागृत रहती है ऐसी चंद्रावली अंजसा लंबी, आज चंद्रावली ही मुझे प्राप्त हो गई है। ऐसा कहकर के पहले राधिका जो नाम दे दिया था उसका अर्थ मधुमंगल वाला अर्थ ही निकाल करके कि मंगल भाग से अधिका श्री चंद्रावली मुझे प्राप्त हो गई है, ऐसे जो कहा श्री चंद्रावली जी श्याम सुंदर के इन वचनों को सुनकर के ब्रह्म में आ गए और मन में विचार कर लिया, हा प्रिय तो प्यारे को मेरा ही स्मरण कर रहे हैं। ऐसा विचार करके आनंदित होकर के श्री चंद्रावली जी उस समय श्याम सुंदर के पास में आए और चंद्रावली सलज्जम कृष्ण कंठे वैजयंती बिंदे से अपने हाथ से पोकर के बड़ी सुंदर वैजयंती माला लाई, पांच रंग के फूलों का थाक वाली जो माला, तुलसी कुंद मंदार पारजात सौरही पंचमृता माला वन माला प्रकृतता, यदि चरण तक लंबी है कोई माला उसका नाम है वन माला, और यदि नाभि तक रहती है कोई माला, नाभि के नीचे तक नाभि तक, तो उस माला का नाम है वैजयंती। तो पांच फूलों की वैजयंती माला श्री चंद्रावती जी ने जो गुथी गुथी उसको श्री श्याम सुंदर के कंठ में श्री चंद्रावती जी धारण करा रही है। श्री प्रिया अच्छा चंद्रावती जी धारण कराएंगे तो सलज लजाते हुए, ये सही नायिका का जो स्वरूप है उसमें लजाते हुए मंद मंथर गति से प्यारे के पास में पधराकर आकर के कुछ ऊंची होकर के ऊंचा करके श्री श्याम सुंदर कुछ विनम्र हो रहे हैं, ग्रीवा नीचे झुका रहे हैं और श्री प्रिया वो माला श्री श्याम सुंदर के कंठ में श्री चंद्रावली जी लज्जा पूर्वक धारण करा रही है, मानो अपने हृदय को ही प्यारे को समर्पित करने का की सूचना दे रही है। श्री कृष्ण सानंद एकदम आनंदित हो जाते हैं और कह रहे हैं एकम प्रयात परिचर्य चकोर राजी चंद्रम प्रिय निज मनोरथ पूर पूर्ति चंद्रावली किम ममाख्य चकोर योस्तम प्रीतिम गयो अपिन धास्यत से भी माना, कि हे प्रिय जगत में एक चंद्रमा की ऐसी विशेषता है कि एक चंद्रमा अनेकों अनेकों चकोरों की हजारों चकोरों की जो पंक्ति है उसको भी एक चकोर चंद्रमा आनंदित कर देता है। तो एक चंद्रमा में यह सामर्थ्य कि हजार चकोरों को वह तृप्त कर देता है। चंदा चकोर की प्रीति बड़ी प्रसिद्ध है,
जबकि मेरे पास में तो केवल दो चकोर है, ये दो नेत्र, और आप एक चंद्रमा नहीं हो, आपका नाम है चंद्रावली। तो यदि बिल्कुल इसके उल्टी हो कि चंद्रमा तो हो अनेक और चकोर हो केवल दो, तो क्या उनको पूर्ति करने में अनेक चंद्रमा समर्थ नहीं होंगे क्या? जबकि जगत की रीति ये है कि एक चंद्रमा अनेकों चकोरों को तृप्त करने में समर्थ होता है। विषय है एक चंद्रमा और आश्रय है अनेक चकोर, और यहां पर यदि उल्टा हो जाए कि आश्रय तो हो केवल दो चकोर और विषय हो एक चंद्रमा नहीं अनेक चंद्रमा, तो फिर अनेक चंद्रमा क्या दो चंद्रमाओं को तृप्त करने में समर्थ नहीं होंगे? तो मैं आपका दर्शन करके अपूर्व तृप्त हूं। प्रिय, जैसे चकोर का चंद्रमा से अपूर्व प्रीति, अभी चकोर चंद्रमा की जो प्रीति है इसको विशेष रूप से काम शास्त्र में अनन्य प्रीति का दृष्टांत माना गया, और इसको बहुत अच्छी तरह से कहीं श्री तुलसीदास जी ने मानस में कहीं स्पष्ट किया कि नहीं जाचत नहीं संग्रही और शीश नाय नहीं ले, ऐसे मानी जात कहीं को बाल बिंदे, चंदा चकोर और चातक और मेघ इनकी प्रीति कहीं आदर्श मानी गई है। अब चकोर की प्रीति की एक विशेषता है कि चकोर चंद्रमा को निहार रहा है, तो बस जहां चंद्रमा है उसको देख रहा है। अब चंद्रमा को घूमते घूमते पूर्व में उदय हुआ और पश्चिम में पहुंच जाएगा, तो चकोर जो है वो चंद्रमा को देखते देखते ये नहीं कि वो अपना आसन बदले, वो जिस आसन पर पहले खड़ा था उसी आसन पर रहेगा, भले गर्दन टूट जाए परंतु टूटते टूटते भले गर्दन टूट जाए टेढ़ी हो जाए कितना भी कष्ट हो उसको इतना फुर्सत नहीं है कि आसन बदल ले और फिर सुविधापूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देखे। तो चकोर की जैसी स्थिति है कि वह एक क्षण के लिए एक क्षणार्ध के लिए भी अपनी दृष्टि को चंद्रमा से अकेला अलग नहीं करता है, इसी प्रकार मैं भी आपसे कहीं एक आधे क्षण के लिए भी आपसे अपने मुख को अलग नहीं करता। ये चकोर की प्रीति की विशेषता कि महाकष्ट में भी प्रिय का स्मरण करते हुए विराजमान और कष्ट का स्मरण ही उस, और जो पपीहा की प्रीति है उसकी प्रीति की विशेषता ये कि उसमें ऐश रहती है, दोनों चीजें एक साथ, हंसना और काल फुलाना जैसे एक साथ नहीं हो सकता है, परंतु यहां पर जो चातक की प्रीति है वो चातक की प्रीति की विशेषता यह है उसमें ऐठ भी है और समर्पण भी, नहीं चाचत किसी दूसरे से मांगेगा नहीं, समुद्र भरा हुआ है अमृत का, परंतु जो चातक है वो केवल मांगेगा, वो केवल बादल से ही मांगेगा, स्वाति नक्षत्र से ही जो बाढ़ पानी गिरेगा केवल उसको ही पिएगा, नहीं जाचत नहीं संग्रही, संग्रही भी नहीं है कि ये नहीं कि वर्षा ऋतु में तो चलो स्वाति नक्षत्र की वर्षा हो रही है तो भाग करके पांच सात ड्रम रख दो गर्मी में काम आएंगे, सो बात नहीं है, वो टैंक भर करके नहीं रखेगा, संग्रह नहीं करेगा। जो बूंद बादल से सीधी उसने चोंच खोल रखी है और उस चोंच के अंदर जाएगी उस बूंद को तो लेगा, परंतु तो जो बूंद नीचे कहीं सरोवर में गिर गई है, सरोवर भर रहा है, भरे हुए सरोवर में सिर झुका करके वो पानी नहीं पिएगा, तो नहीं जाचत नहीं संग्रही और शीश नाय नहीं ले, सिर झुका करके भी नहीं लेगा। अब बताओ
ऐसे मानी मांगने की, ऐसा यदि कोई मंगता हो और इतना अभिमान रखता हो तो उसको को बालिद मिल दे, उसको देने वाला भी फिर बादल जैसा ही होना चाहिए, कोई दूसरा उसको देने वाला नहीं हो सकता है। ऐसे ही श्री जहां परस्पर प्रीति है वहां पर ही उस प्रीति का परिपूर्ण पालन किया जा सकता है। तो ये एक विशेषता। तो चातक की जो प्रीति है वो पपीहे की बादल के साथ में, और यहां चकोर की ये चंदा के साथ में, चंदा चकोर और चातक और मेघ, इनकी प्रीति ये दो अत्यंत अनन्य प्रीति और स्वाभिमान इनको प्रकट करने के लिए प्रसिद्ध होकर के उपमान बने हैं। तो एकम प्रयात परिचर्य चकोर राजी के, एक चंद्रमा को चकोर राजी माने अनेक अनेक चकोर सेवा करके सेवा करते हैं, और चंद्रम प्रिय निज मनोरथ पूर्ण पूर्ति, हे प्रिय वो एक चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमाओं की चकोरों की पंक्ति अपने मनोरथ की पूर्ति को प्राप्त कर लेती है। तो फिर यहां तो केवल दो चकोर हैं और आप तो चंद्रमा की पंक्ति होकर के विराजमान है। चंद्रावली किम ममाक्ष चकोरयोस्त्वम, चंद्रावली होकर के बहुत से चंद्रों को एक साथ धारण करने वाली होकर के क्या आप मेरे दो चंद्रमा चकोरों को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं होगी? ऐसा अवश्य ही समर्थ हो जाओगी। प्रीति देव न धास्यते सेव्य माना, मेरे क्या दो चकोरों को प्रीति प्रदान करने में आप समर्थ नहीं हो? प्रीतम न धास्यते, क्या मुझे प्रीति प्रदान नहीं करोगे? अर्थात अवश्य करोगे। यदि कहीं इंट्रोगेटिव आ जाए तो उसका अर्थ एसर्टिव हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए तो उसका अर्थ एसर्टिव हो जाता है। तो क्या नहीं करोगे? क्या मेरे दोनों नेत्रों को संतुष्ट नहीं करोगे? अर्थात अवश्य कर दोगी, आप मेरे दोनों नेत्रों को अवश्य ही संतुष्ट करने में समर्थ हो जाओगे। मधुमंगल बड़े गर्वपूर्वक कह रहे हैं कि भो भयस्य दृष्टिया त्वया मम विलक्षण विचक्षणता, तुमने देखी मेरी क्या विचक्षणता है, मैं कितना चतुर हूं, मेरी विचक्षणता का तुमने दर्शन किया। यह खलो अनंत गुणशालना त्वया मोचितुम न पारतः, जिस चंद्रावली के मान को, यह माने जिस मान को, ये चंद्रावली के मान के लिए आया, चंद्रावली का वो मान जो कि अनंत गुणशालिना, तुम हो अनंत गुणशाली, तुम्हारे द्वारा वो मान नष्ट कर सकने में खुलने में समर्थ नहीं हुआ। सब प्रिय सख्या मान ग्रंथी, उस प्रिय सखी की मान ग्रंथि को नव गुण धारणा मया मोचिता, नौ धागे के जनों को धारण करने वाले मैंने मुक्त करा। नव गुण धारणा, नव गुण माने यज्ञोपवीत, मुझ ब्राह्मण ने जिसने नौ वर का नौ डोरों का यज्ञोपवीत धारण कर लिया था, मैंने केवल नौ गुण है मेरे पास में, तुम्हारे पास में अनंत गुण है, अनंत गुणों के द्वारा तुम क्रिया के मार्ग को समाप्त कर नहीं पाए, और मैं केवल अपने नौ गुण यज्ञोपवीत उसके प्रभाव से क्रिया के मान को समाप्त करने में समर्थ हुआ। यहां पर चमत्कार जो चल रहा है वो गिनती का चमत्कार चल रहा है। एक चंद्र अनेकों चकोरों को कृतकृत कर रहा है, तो अनेक चंद्रावली वो क्या दो चंद्रमाओं को पवित्र नहीं कर सकेंगी? वही संख्याओं का खेल चल रहा है। ऐसे ही अनंत गुणों से युक्त कृष्ण तुम तो मान को मुक्त करा नहीं सके, और केवल नौ गुणों से युक्त मैं ब्राह्मण ने चंद्रावली जी के मान को मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण उस समय प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं
हे मित्र तुम उदंड कोदंड विलास के शाकुंड में महासंधि विग्रह करने वाले हो, माने तुम संधि विग्रह कब चलना है, कब बैठना है, कब झगड़ा करना है, कब शरणागति ग्रहण करनी है, इन छह गुणों को धारने वाले तुम महामंत्री होकर के विराजमान हो। पद्मा जी कह रहे हैं आर्य पुनः प्रफुल्ला ने मल्ली पुष्पाणि स्फुलंती तद ए ही महान गृहणी वा। आहा सामने मल्ली के परम सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, आओ इनको हम ग्रहण करें, ऐसे कहकर के बहाना बना करके पद्मा और मधुमंगल ये दोनों तो निकल जाते हैं और श्री कृष्ण चंद्रावली जी के साथ में आप विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। इधर श्री कृष्ण स्वागतम चंद्रावली जी के साथ में विहार हो गया और विहार होकर के श्री कृष्ण विराजमान है, विहार हो रहा है चंद्रावली जी के साथ में, परंतु कृष्ण का चित्त अटका हुआ है राधा रानी में। विहार करने के बाद में श्री चंद्रावली जी विराजमान है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुंजेस्मिन आगत मात्रम राधान तर्कयामि, मुझे ऐसा लगता है कि इस कुंज में श्री राधिका आने ही वाली है। अब यदि यहां पर मैं चंद्रावली जी के साथ में हूं और श्री राधिका का आगमन हो गया तो महा व्यवधान उपस्थित हो जाएगा, एक झमेला खड़ा हो जाएगा। इसे कहीं ये दोनों क्रियाएं स्वपक्ष और प्रतिपक्ष एक स्थान पर मिल आ जाए, बड़ी चतुराई से इनको पहले तो कहीं अलग अलग स्थान पर इनको भेजा जाए। श्री राधिका यहाँ आने वाली है, इसे चंद्रावली जी को यहां से कहीं दूर ले जाना उचित होगा। ऐसा कहकर के मन विचार करके श्री कृष्ण चंद्रावली जी से बोले कि प्रिय पुरस्तात नात दूरे नागर रंगोचिता नागर केशरा केशर अटवी, कि यहां से पुरस्तात माने सामने, नात दूरे माने कुछ दूरी पर ही, नागर रंगोचिता रसिक नागर जनों के, नागर का तात्पर्य है जो प्रेम कला रस प्रेम सेवा उसमें परम प्रवीण, प्रेम सेवा में परम प्रवीण जो नागर जन है उनके विलास के उचित नाग केशर अटवी विराजमान है, नाग केशर की कुंज पास में ही विराजमान है, इसलिए तत्रैव अनुसरावः हम दोनों वहां ही अब चलते हैं, अब हम नाग केशर कुंज की ओर चलते हैं। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण चतुराई से श्री चंद्रावली जी को उठाकर पकड़ा करके नाग केशर कुंज में लेते हैं ताकि कहीं भिड़ नहीं जाए, तो दोनों पक्षाएं भिड़ नहीं जाए, तो आपको ले रहे हैं नाग केशर कुंज में। तथा प्रविशति ललताया सह संगठयन्ती श्री राधिका, इधर श्री ललता के साथ में राधिका कुछ ही देर में उसी केशर कुंज में आ गई। अब देखिए कितना झमेला है, एक है नाग केशर कुंज और दूसरी है केशर कुंज, केशर माने केशर और नाग केशर माने जिसमें लंबी लंबी किंजल होते हैं, झाऊ और झाऊ के बीच में लंबे किंजल, हमारे राधा बड़ा सुंदर है डोरा बनते हैं झाऊ के और नाग केशर के, तो नाग केशर एक बड़ी केशर वाला जिसमें किंजल बड़े बड़े लंबे लंबे इतने बड़े बड़े किंजल होते हैं मंजरी होती है, तो उसका उसकी जो कुंज है नागेश्वर की कुंज, तो केशर और नागेश्वर में केशर शब्द दोनों में लगा हुआ है। श्री कृष्ण अभी तक विराजमान थे केशर कुंज में, श्री कृष्ण केशर कुंज से प्रिया जी को नागेश्वर चंद्रावली जी को तो नागेश्वर कुंज में ले गए, प्रिया जी आएंगे राधा रानी आएंगे केशर कुंज में ही, यहां तो इस कुंज को खाली कर दिया।
तो पुंजेस्मिन, इसलिए नागर रंगोचता नागकेशरा कवि पास में ही नागकेशर की पुंजे है उसमें चलती है, ऐसा कहकर के श्री चंद्रावली जी और कृष्ण दोनों पधारे और श्री ललिता जी के साथ में श्री राधिका पढ़ा रही है और कह रही है हला प्रेक्ष प्रेक्ष अभी सखी देख देख अंधकारे घोरितम सर्वं दिग्मुखम। इस समय पूरी दिशाएं अंधकार से घिरती हुई चली जा रही है। अब यहां श्री किशोरी जी का कृष्णावसार का जो नायिका स्वरूप है उसका यहां वर्णन हुआ है। अभी कृष्णावसार का अष्ट नायिकाएं हैं और उन अष्ट नायिकाओं में जो कृष्णावसार का स्वरूप है उस कृष्णावसार का स्वरूप का यहां गायन हुआ। नायिकाएं दो प्रकार की मानी गई है, शुक्लावसार का और कृष्णावसार का। शुक्लावसार का शुक्ल पक्ष में चांदनी रात में श्वेत वस्त्र हीरा के आभूषण धारण करके श्वेत ओढ़नी ओढ़ करके पधारती, हाथ में श्वेत कमल लेकर के सखी के साथ में वार्तालाप करती हुई। कृष्णावसार का स्वरूप है कि कृष्णावसार का अपने श्रीअंग में वो कस्तूरी का लेप करके श्याम मेकअप जो है उसको धारण करके कस्तूरी का लेप करके नीली साड़ी धारण करेगी। जितने भी आभूषण होंगे वे भी काले और नीले रंग के होंगे, तो नीलम के आभूषण को धारण करके नीली ही ओढ़नी ओढ़ करके वह दीपक हाथ में लेकर के और दीपक को भी अंचल की ओट में बचाते हुए हवा से बचाते हुए सखी के साथ में वार्तालाप करते हुए कृष्णावसार का गमन करती है। तो कृष्णावसार का वेश वह श्याम रंग का वेश उसका होता है, शुक्लावसार का वेश शुक्ल रंग का होता है। तो श्री प्रिया जी आज कृष्णावसार का स्वरूप धारण करके श्री कुंज में पधार रही है, केशव कुंज में पधार रही है और कह रही है बोले अभी सखी अंधकारे घोरितम सर्वं दिग्मुखम। देख अंधकार सारी दिशाओं में घिर आया है। श्री गीत गोविंद में कृष्णावसार का और शुक्लावसार का इन दोनों नायिकाओं के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, तो यहाँ पर वही यही कोई प्रसंग जो है वही प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। कृष्णावसार का जो स्वरूप है उसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। प्रिय सखी महाराज पधारी, ललिता जी कह रही है प्रिय सखी तिमराम सारोचित श्यामल प्रसाद नहीं मंदित स्वया किम खलो आत्मा। बोले अरे सखी कृष्णावसार का नायिका के अनुरूप तिमिर अभिसार के उचित माने काली रात्रि में श्याम रात्रि में जो उचित है कृष्णावसार का जैसे श्रृंगार को धारण करती है ऐसे श्यामल प्रसाधनों से क्या तूने अपने आप को सजा लिया है। अरे सखी तेरा श्रृंगार कृष्णावसार का के उपयुक्त श्याम वर्ण के वस्त्र श्याम रंग के आभूषणों से हुआ है कि नहीं। श्री राधिका कह रही है हाँ सखी हाँ। श्री ललिता जी उस समय श्री राधिका की रूप माधुरी का वर्णन करती हुई राधिका को निहारती हुई और रूप माधुरी का श्यामावसार का जो किशोरी जी की रूप माधुरी है उसका वर्णन कर रही है कि आहा कैसी सुंदर अरि सखी तेरी शोभा हो रही है। धम्मिल लोक पर नील रत्न रचितो हारस पया रूपिता कि तूने श्याम बेनी और उस श्याम बेनी में नीले रंग के पुष्प उनकी ही धम्मिल माने माला उनको लपेट रखा है। अब इस समय श्वेत पुष्प नहीं है, शुक्लावसार का की माला में चोटी में सफेद पुष्प कुछ होंगे पर कृष्णावसार का में चोटी में भी नीले श्याम रंग के जो पुष्प हैं उनको गुथी हुई
कैसी न शोभा है प्रिया जी की कि धम्मिल गोपाली नील रत्न रचिता श्याम चोटी उसमें श्याम ही पुष्पों की नीले पुष्पों की माला लिपटी हुई है। धम्मिल माने चोटी में लिपटी हुई माला। फिर उसके ऊपर नील रत्न रचिता चोटी के प्रारंभ में ऊपर जूड़े में जो बड़ा सुंदर जो कमल लगाया हुआ है वो भी नील रत्न का अपूर्व सुंदर जड़ाव जड़ो जड़ाव का जो कमल है उसको चोटी में कहीं खुरसा हुआ है नील रत्न रचिता है। जो शीश फूल है जो जूड़ा का फूल है वो जूड़ा का फिर फूल ब्रॉन्ज वो बिल्कुल नील रत्न का सुंदर जूड़ा का पुष्प वह मस्तक में लगाया हुआ है। फिर हार स्वयारोपिता चोटी के ऊपर जो हार लगाया है वो भी नीले पुष्पों का ही हार शोभा को प्राप्त हो रहा है। बेनी के जैसे तीन रूप बताए जहां खुले बालों के साथ में खुले फूलों को गूंथा जाए उसका नाम है पुष्पवेणी। जहां बालों को गूंथ करके अमूला झूला बना करके उसके ऊपर गजरा लगाया जाए उसका नाम है वेणी। तो यहां नीले रंग की ये वेणी। फिर वेणी के बीच में जो वेणी का हार वेणी का जो ब्रांच लगाया गया वो वेणी का पुष्प वो भी नीले रंग का ही बड़ा सुंदर जड़ाव वेणी का वेणी पुष्प उसको लगाया है। हारस प्रया रूप विन्यस्तक कुछ कुंभयो कोवलयो श्रोणी कृते गर्भगा और कुछ कुंभयो कुमल श्रेणी कृता वक्षस्थल रूपी जो कुंभ उनके ऊपर कोवल कोवलय मन नीले कमल कोवलय कहते हैं नीले कमल नील कमल उन नीले कमलों की श्रेणी उनको तूने स्थापित किया है। तो नीले कमल जिसमें बीच बीच में जड़े हुए हैं ऐसे गर्भगा माने बीच में उमे हुए हैं ऐसे नीले कमल का ही हार वक्षस्थल के ऊपर धारण किया है। अंगे कल्पित मंजनम और श्री अंग उनमें भी अपूर्व सुंदर से अंजन जो है उन अंजन को धारण करके तू विराजमान है। अंगे कल्पित मंजनम और विनिहिता कस्तूरिका नेत्र और तूने नेत्र उनमें भी